हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयर फोर्स बाय ग्रुप 2021 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 16 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ 1 से 6 तक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, साथ ही साथ 2014 से 2018 तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। अगर आप लोग इन सभी का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने वाले हैं। एयरफोर्स बाय ग्रुप 2021 है, जिसका एग्जाम 18 से 22 अप्रैल 2021 को होने वाले हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर और जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनका सही से ही जवाब देना है। तो देखिए, पैसेज को तो बताना एक एक लाइन पढ़कर ऊपर नीचे कर बताना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे पैसेज का। बाकी जितने भी रागा और इंग्लिश का क्वेश्चन है, उन सभी का आपको पूर्ण रूप से सोल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को एक अलग वीडियो में जरूर बता देंगे कि पैसेज को आसानी पूर्वक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, द वर्ड स्टम्बल इन द फर्स्ट लाइन सजेस्ट डैट द नरेटर एंड हिज फ्रेंड। इसका सही जवाब हो जाएंगे बियर वॉकिंग ऑन एंड इवन रोड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही जवाब है, बियर वॉकिंग ऑन एंड इवन रोड। फ्रेंड्स, इसका देखिए, इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसका लिंक आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा द लास्ट सेंटेंस सजेस्ट डेट व्हेन दे डिस्कवर द सोर्स ऑफ लाइट। इसका सही जवाब हो जाएंगे, दे बियर सरप्राइज बाय इट्स क्लोजनेस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, दे बियर सरप्राइज बाय इट्स क्लोजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फॉर द नरेटर एंड हिज फ्रेंड द इफेक्ट ऑफ द डिम लाइट वाज। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे, टू क्रिएट कन्फ्यूजन विथ रिगार्ड टू डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पैसेज एज ए होल इंडिकेट्स डेट द मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे, टू ट्रेस द लाइट टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। अब देखिए, रिजेक्टेड है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिगरेटिव का मीनिंग भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इरिटेबल है, इरिटेबल का भी मीनिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये जुबिलेंट है, ये मीनिंग गलत लिखा हुआ था। तो हम लोग को गलत चूज करना था, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए, इसका मीनिंग सही किस प्रकार से लिखाता है, तो जुबिलेंट का मीनिंग जे यू बी आई एल ए एन टी होते हैं। देखिए, यहाँ एल आई है, लेकिन यहाँ एल आई नहीं, एल ए एन टी होते हैं, ठीक है, जुबिलेंट का। अब देखिए, जुबिलेंट का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है उल्लासित, इसका हिंदी होता है उल्लासित, या इसे हम लोग आनंद पूर्वक भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा चेंज द वॉइस, इसे वॉइस में बदलना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। तो देखिए, सबसे पहले इट है ऑब्जेक्ट, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएंगे इट, और इट के साथ क्या आएंगे हैज आएंगे, तो इट हैज। अब देखिए, टू डू लगा है, तो टू भी जब भी लगे तो हम लोग क्या लगाते हैं, टू बी, पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हम लोग टू बी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी। अब देखिए, डू है जो कि वी वन है, तो इसे हम लोग वी थ्री में चेंज करेंगे, तो डू का वी थ्री क्या हो जाएगा, डन, तो इट हैज टू बी डन, और क्या लगेंगे बाय, और आई यहाँ सब्जेक्ट था, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे मी, तो इट हैज टू बी डन बाय मी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, इट हैज टू बी डन बाय मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा रिमूव टू फ्रॉम द फ्लोइंग, रिमूव टू में चेंज करना है, करा ही इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन। तो देखिए क्या हो जाएंगे, ही इज सो प्राउड, टू को हम लोग यहाँ हटा के क्या करेंगे सो, तो ही इज सो प्राउड, ठीक है, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो क्या हो जाएंगे, उसके बाद क्या लगते हैं डैट, तो ही इज सो प्राउड डैट, और सब्जेक्ट ही है तो ही लगा देंगे, तो ही, और उसके बाद क्या लगाते हैं, कैन नॉट लगाते हैं, तो ही कैन नॉट बी, और देखिए आइडियल है, आइडियल के पहले एन लगेगा क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ही कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ही इज सो प्राउड डैट ही कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, वन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह करने से नफरत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विवाह द्वेषी कहते हैं, विवाह द्वेषी कहते हैं। और इंग्लिश में हम लोग इसे मैसो गेमिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? मीसो गेमिस्ट कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिट टू बी ईटेन, जो खाने लायक हो, खाने लायक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं खाद्य पदार्थ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में इडिबल, इडिबल का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ, जो खाने लायक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इडिबल, खाद्य पदार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वाइल्ड गूज चेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? वाइल्ड गूज चेज मीन्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब है, अनप्रॉफिटेबल। अब अनप्रॉफिटेबल का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है लाभहीन, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो गया? लाभहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंगुलर ऑफ क्रिटेरिया, क्रिटेरिया का सिंगुलर बताइए। तो क्रिटेरिया का सिंगुलर क्या हो जाएगा? इसका सिंगुलर होते हैं सी आर आई क्रिटेरियन होते हैं, इसका सिंगुलर सी आर आई टी ई आर आई ओ एन, यहाँ आई ए है, आई ए हटकर क्या लगता है? आई ओ एन लगता है, ठीक है। अब देखिए क्रिटेरियन का हिंदी क्या होता था? इसका हिंदी होता है मानदंड, ठीक है, मानदंड इसका हिंदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फेमिनिन ऑफ नेग्रो, नेग्रो का फेमिनिन बताइए। तो देखिए नेग्रो का मतलब होता है हबसी, तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएंगे? नेग्रेस हो जाएंगे, आरओ है जो कि आरओ हटकर लास्ट में ओ है, ये हटकर ई डबल एस आ जाएंगे, तो एन ई जी आर ई डबल एस, नेग्रेस का मतलब क्या हो जाएंगे? हबसी स्त्री हो जाएंगे, ठीक है, हबसी स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साइनोनिम ऑफ ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का समानार्थी शब्द बताइए। अब देखिए ओवरवेल्म का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है अत्यधिक उत्साहित, क्या होता है? अत्यधिक उत्साहित, ठीक है। अब देखिए रियस्टोर, रियस्टोर का हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हिंदी होता है बहाल करने या फिर लौटाना, ठीक है। ये तो होंगे नहीं, सबसे पहले प्रयास करिएगा कि आप लोग ऑप्शन छाटिए। अगर आप लोग एग्जैक्ट सैनोनिम्स ओवरवेल्म का जानते हैं तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो प्रयास करिए कि आप लोग सबसे पहले ऑप्शन छाटें, उसके बाद जो लास्ट में एक या दो ऑप्शन बचेंगे उनसे हम लोग को सहूलियत होगा टिक आउट करने में। अब देखिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है शक्तिहीन, शक्तिहीन या फिर दुर्बल, दुर्बल कह सकते हैं। तो देखिए ओवरवेल्म का हम लोग क्या पूछ रहा है? साइनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट का हिंदी क्या हो गया? शक्तिहीन या फिर दुर्बल, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए इटेंस, इटेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तीव्र, इसका मतलब क्या होता है? तीव्र, तो ये भी नहीं होंगे। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अत्यधिक उत्साहित, अत्यधिक उत्साहित। तो ओवरवेल्म का साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ट्रियम्फ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ जस्टिफाई, जस्टिफाई का उल्टा शब्द बताइए। अब देखिए जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? उचित ठहराना, इसका हिंदी क्या होता है? उचित ठहराना, ठीक है। अब देखिए डिफेंड, डिफेंड का मतलब क्या होता है? तो डिफेंड का मतलब बचाओ, ये आप लोग भी जानते होंगे डिफेंड का मतलब बचाओ, तो ये तो होंगे नहीं, इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है। उसके बाद देखिए विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? साबित करना, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? साबित करना, तो ये भी नहीं होंगे। उसके बाद देखिए स्क्लूपेट है, स्क्लूपेट का मतलब क्या होता है? इसका स्क्लूपेट का मतलब होता है सफाई देना, स्क्लूपेट का मतलब होता है सफाई देना, तो ये भी नहीं होंगे। उसके बाद क्या है एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जस्टिफाई का हिंदी क्या होता है? उचित ठहराना, और उसका पूछा है अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएंगे? एक्यूज, एक्यूज मतलब क्या हो जाएंगे? आरोप लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, मोहन विल कम हेयर, खाली स्थान संडे नेक्स्ट। तो देखिए जब भी कम हेयर संडे नेक्स्ट हो तो हम लोग सिंस या फॉर यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ है जो कि ये फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, ये फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। जब भी प्रेजेंट या पास्ट में रहेगा तो अब हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हमें फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो जब भी फ्यूचर में लिखा रहे तो हम लोग को आंख बंद करके फॉर्म लगा देना, क्या लगा देना है? मोहन विल कम फ्रॉम हेयर फ्रॉम नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब है, फ्रॉम लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है हॉर्सेज खाली स्थान, तो हॉर्सेज कैसे बोलता है, तो हॉर्सेज है जो कि नेह करता है, नेह का हिंदी क्या होता है तो घोड़ा है जो कि क्या हिनहिनाता है, और हिनहिनाना का इंग्लिश क्या बोलते हैं नेह, हिनहिनाना का इंग्लिश क्या बोलते हैं नेह, ठीक है तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक खाली स्थान ऑफ राइटर्स इन्वेडेड इन द बेस्ट बेकरी परमिसेज। देखिए राइटर्स मतलब क्या होता है, तो ये राइटर्स मतलब होता है दंगाइयों, राइटर्स का मतलब क्या होता है दंगाइयों, और दंगाइयों के भीड़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो दंगाइयों के भीड़ को हम लोग ये मोब कहते हैं, ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब है मोब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आई शैल नॉट कम खाली स्थान यू नीड मी, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा जब तक कि तुम्हारी जरूरत नहीं हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आई शैल नॉट कम अनलेस, यहाँ पे क्या हो जाएंगे अनलेस यू नीड मी, यानी ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे अनलेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अनलेस का अर्थ यह है कि इफ नॉट और यह कंडीशन को बताता है, इफ नॉट और यह कंडीशन को बताता है और टाइम फ्रेम को नहीं, टाइम फ्रेम को नहीं बताता है। इस बात का अर्थ यह होगा कि मैं नहीं आऊंगा यदि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे यहाँ पे अनलेस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ही हैज ए ग्रेट इंटीमेसी खाली स्थान हिज अंकल। अब देखिए इंटीमेसी के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंटीमेसी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बीथ लगता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग याद कर लीजिएगा, इंटीमेसी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बीथ लगता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ही हैज ए ग्रेट इंटीमेसी बीथ हिज अंकल, यानी ऑप्शन नंबर इसका फोर सही हो जाएंगे, थ्री नहीं फोर इसका सही हो जाएंगे बीथ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड खाली स्थान द हेल्प ऑफ द हेल्प ही गेव, ठीक है। अब देखिए ग्रेटिट्यूड यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ग्रेटिट्यूड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगते हैं, तो हमेशा प्रीपोजिशन फोर लगते हैं, ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड फोर द हेल्प ही गेव, यानी ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब हम लोग रागा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2^3x-5 बराबर दिया हुआ है 1/4x, फ्रेंड्स आप लोग प्रयास करिएगा कि 50 से 40 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें। अब देखिए 2^3 कितना है 3x-5, अब देखिए 1/4x है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2^2 x, ठीक है। अब देखिए 2^3x-5 बराबर, अब देखिए 1/2 x है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2^-2x हो जाएंगे। अब देखिए दोनों का बेस है जो कि समान है, दोनों का बेस है समान तो क्या हम लोग को पावर भी सेम हो जाएंगे, यानी 3x-5 बराबर क्या हो जाएंगे -2x। अब देखिए -2x से बराबर के ये साइड आएगा तो क्या में आ जाएंगे प्लस, तो 3x+2x बराबर क्या हो जाएंगे 5x=5, 5 से 5 कैंसिल, यानी x का मान कितना है 1, तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब है, x का मान कितना आएंगे 1 आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताएं। अब देखिए जब भी वस्तु रहेगा तो हम लोग जस्ट इष्ट के अपोजिट मान लेंगे। अब देखिए 25 वस्तुओं का क्रयमूल है तो क्रयमूल हम लोग क्रयमूल का उल्टा क्या होता है विक्रयमूल, यानी एसपी कितना हो जाएंगे एसपी हो जाएंगे, विक्रयमूल हो जाएंगे ये विक्रयमूल हो जाएंगे जो कि 25 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 20 वस्तुओं का विक्रयमूल तो ये हम विक्रयमूल था तो हम लोग वस्तु में क्या मान लेंगे उल्टा मान लेंगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब देखिए विक्रयमूल है 25 क्रयमूल है 20 तो कितना का लाभ हुआ 5 का, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुने 100 और बटा क्रयमूल कितना है तो क्रयमूल है 20 तो यहाँ 20 लिख देंगे, 5 से 5 को 20 और 4 से कितना 25 को 100, यानी टोटल उसे 25% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। अब देखिए माना कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे यू किलोमीटर पर आवर, मान लिया कि माना कि स्थिर जल में नाव की चाल यू किलोमीटर पर आवर है एवं धारा की प्रवाह कितना हो जाएंगे ये हमने मान लिया वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं, कह रहा है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है,
तो कितना हो जाएंगे 20 बटे, अब देखिए धारा के साथ, तो धारा के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो धारा नाव के चाल प्लस धारा की चाल, और उसे टोटल दूरी कितने लगते हैं, उसे टोटल दूरी लगते हैं उसे कितने समय लगते हैं, तो एक, तो एक लिख दिए, तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू प्लस भी बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 20 हो जाएंगे, यहाँ समीकरण नंबर एक मान लीजिए, ठीक है। अब आगे कह रहा कि और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो देखिए टोटल कितना दूरी है 20, तो 20 बटे कितना कर देंगे धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में क्या करेंगे माइनस, तो यू माइनस भी बराबर कितना हो जाएंगे टोटल समय कितना 2 घंटा, तो 2 से 10 गुना 20, यानी यू माइनस भी का मान कितना आया 10, और यू प्लस भी का मान कितना आया 20, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग को मालूम हो गया, तो आप लोग यू और भी का मान निकाल लीजिएगा, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में स्थिर जल में नाव की चाल, यानी जितना यू का मान आएगा उसका ही आंसर पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स इसका यू का मान आप लोग को आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 15 किलोमीटर बराबर, देखिए 2 समीकरण दिए हुआ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यू का मान कितना आएगा 15 किलोमीटर बराबर, यानी स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रयमूल में मूल्यों में नगद अंतर 3 रुपया, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होंगे। अब देखिए जब भी अंतर या ज्यादा या फिर कम रहे तो हम लोग सीधे क्या करते हैं उसका हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4% और 6% है, तो क्या करेंगे 1 * 6 - 4% और टोटल उसे कितना का प्राप्त होता है मूल्य नगद का अंतर 3 रुपया, तो उसे हम लोग 3 रुपया का फायदा होता है, ठीक है। अब देखिए 1 * यहाँ पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत लिख दिए, 6 में से 4 गया 2, तो 2% बराबर कितना हो जाएंगे 3, अब प्रतिशत में तो बटा में क्या आएंगे 100, तो 2 * 1 * 2 * 100 बराबर 3, 2 से कितना बार कट जाएंगे 50, तो एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 150 हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, अब देखिए एक पर 4% और दूसरे पर 6% का लाभ होता है, और हम लोग का विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ 150, तो 150 * 1 पर कितना लाभ हुआ 4, तो यानी 100 में 104, उसके बाद 150 * 1 पर कितना लाभ हुआ 6, तो 150 * 106, 150 और 150 से ये कैंसिल हो गया, ये कितना बार कटेंगे 52 * 106 और ये 53 * 106, यानी 52:53, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है ज़्यादा कम या फिर अंतर रहे या अधिक रहे तो उसे हम लोग घटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करवा छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे यदि इतना में जोड़ा जाए तो वह 11 का गुणज बन जाएगा, तो देखिए 11 का विभाजिता का नियम है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो 3 5 7 4 2 7 2 है, 2 है यहाँ पे, 2 7 और 2 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग एकक अंक अल्टरनेट अंक को हम लोग जोड़ेंगे, और 11 से विभाज का नियम यह है कि या तो संख्या का अंतर क्या हो जाए 0 हो जाए, या फिर संख्या 11 का कोई फैक्टर हो, ठीक है। अब देखिए 3 * 7 = 10, 10 और 2 = 12, और 12 * 2 कितना आया 14, तो इधर से 14 आए। अब देखिए ये अल्टरनेट हमने अंक को जोड़ा तो कितना है इसका ऐड करके 14, अब देखिए ऊपर वाला से जोड़ेंगे तो 5 * 4 = 9, ये अल्टरनेट एंगल है, एक को छोड़कर हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 5 * 4 = 9 और 9 * 7 = 16, देखिए नीचे में 16, नीचे में 14 है और ऊपर में आया 16, अब 14 में हम लोग कितना जोड़ देंगे कि इसका अंतर 0 हो जाए, तो 14 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 16, और ये 16 - 16 करेंगे तो कितना इसका अंतर हो जाएंगे 0, यानी वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो 14 में हम लोग कितना जोड़े हैं तो 2 जोड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है कि 14 में 2 जोड़ेंगे तो इसका अंतर 0 हो जाएंगे और वह 11 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे, ठीक है। तो यह है जो कि 11 के विभाज्यता का नियम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 1 + sin A 1 - sin A अंडर रूट में है तो इसका मान क्या होंगे। अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग प्रमेयीकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो 1 + sin A / 1 - sin A है, ठीक है। अब देखिए 1 + sin A है तो ऊपर में नीचे से कितना से गुना करेंगे 1 + sin A से गुना करेंगे, 1 + sin A इधर भी कितना से गुना करेंगे 1 + sin A, जितना में नीचे से गुना किए ऊपर में है उतना ही से गुना करेंगे, तो देखिए 1 + sin A * 1 + sin A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, वन पहले साइन ए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर में क्या आएगा, वन प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में सिर्फ क्या बचेंगे, सिर्फ कॉस बचेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो वन बटा कॉस का क्या हो जाएगा, वन बटा कॉस का क्या होता है, उल्टा, तो इसका उल्टा होता है सेक, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद क्या बचेगा, साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, यानी इसका सही जवाब हो जाएंगे सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर वन इसका सही जवाब आए सेक ए प्लस टेन ए। ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग टेंथ में जरूर पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 6 सेंटीमीटर व्यास धातु की एक ठोस गलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में जिसके आधार पर व्यास 12 सेंटीमीटर झाला जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या है। अब देखिए क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर क्या कर देंगे हम लोग, शंकु का आयतन, गोले का वॉल्यूम बराबर शंकु का वॉल्यूम, यानी गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, ठीक है। अब देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचेगा, 4r³, तो 4 × r³। देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास है जो कि धातु का गोला है, तो यहाँ व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा, यानी 6/2, तो r का मान कितना हो जाएंगे, r का मान हो जाएंगे 3, तो यहाँ r³ है, तो 3 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, r² h, तो r देखिए यहाँ है व्यास है जो कि 12, व्यास है 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका, आधा, यानी r हो जाएंगे 6, तो यहाँ r² है, यानी 6 2 बार लिखेंगे, और गुना क्या कर देंगे, h, तो h लिख दिए। अब देखिए इसको काट छट करिए, तो 3 × 6, फिर 2 × 4, फिर 3 × 6, और 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 3, यानी h का मान कितना आया, 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब है, 3 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा 36 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिनों में एक काम कम करते हैं, तो 42 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कि समय और काज का है, तो इसे हम एक फॉर्मूला बताए थे कि m1 d1 h1 बराबर क्या होता है, m1 d1 h1 बराबर होता है m2 d2 h2, यानी मैन डे आवर, m से मैन डे आवर, ठीक है। अब देखिए 36 व्यक्ति, तो m का मान कितना है, 36, उसके बाद 7 घंटे, यानी h यानी आवर का मान कितना है, तो 7, तो 7 लिख दिए, उसके बाद 24 दिन, यानी d का मान कितना है, 24, तो 24 लिख दिया बराबर। अब देखिए m2 d2 h2 का मान लिखेंगे, तो m2 का मान कितना है, m2 का मान है 42, तो ये 42 लिख दिए। d2 का मान कितना है, d2 हम लोग को निकालना है, पूछ रहा है कि कितने दिनों में उस काम को करेंगे, तो d2 का d2 लिख देंगे। उसके बाद h2 का मान कितना है, आवर यानी 8 घंटे, तो ये 8 लिख दिए। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए सबसे पहले कितना से कटेगा, तो ये देखिए 7 से कितना बार कट जाएंगे, 7 × 6 = 42, और ये 6 से कितना बार कट जाएंगे, 6 × 6 = 36, ठीक है, और ये 8 × 3 = 24, यानी d2 का मान कितना है, 6 × 3 = 18, d2 का मान कितना आया, 18, यानी दूसरा व्यक्ति है जो कि पूरे कितने दिन में काम करेंगे, तो ये 18 दिन में काम करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग हमने कराया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 3 संख्याओं में 3 रेशियो 2 रेशियो 5 का अनुपात है, और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए 3 रेशियो 2 रेशियो 5 है, तो रेशियो में हम लोग क्या शामिल करेंगे, 1 शामिल करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, 3x 2x रेशियो 5x। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्ग करेंगे, तो 3x² + 2x² + 5x² इनके वर्ग करके इनको योग कर दिए, और उनका संख्या कितना है, 1862, तो बराबर में 1862 कर दिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर, तो 9x² हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएंगे, 4x², और यहाँ कितना हो जाएंगे, 5×5 = 25x²,
तो इसको ऐड कर दीजिए, तो 9 4 13, और 13 और 25 कितना हो जाएंगे, 38 x² बराबर 1862। अब 38 में 49 से गुना कर दीजिएगा तो ये लगभग 1862 कट जाएंगे, यानी x² बराबर कितना है, x² बराबर 49 आए, तो x का मान कितना आएंगे, x का मान 7 आएंगे, इधर स्क्वायर आए तो इधर क्या होंगे, अंडर रूट में आ जाएंगे, तो x का मान 7 आएंगे। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 2x है, तो 2 गुना कितना कर देंगे, x का मान कितना है 7, तो 2 गुना 7 यानी 2 7 14, यानी सबसे छोटी संख्या 14 आएंगे, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 0.5 भाग किसी अन्य संख्या के 0.07 भाग के तुल है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होंगे। अब हमने मान लिया ये संख्या x है, x का 5 भाग, यानी कितना कर देंगे 0.5 × x, और दोनों का अनुपात पूछा है, तो किसी अन्य संख्या के कितने भाग के तुल है, तुल मतलब बराबर, यानी बाई का, इसे हमने बाई मान लिया, तो बाई गुना 0.07, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो संख्याओं का अनुपात यानी x बटे बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए बाई का मान, x का मान कितना था, तो ये नीचे में आ जाएंगे, और बाई का मान कितना है 0.07, और x का मान कितना है 0.5। अब देखिए यहाँ x में क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यही ऊपर वाले संख्या आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इधर पॉइंट है जो कि एक ज़्यादा है, तो ये पॉइंट एक हटकर क्या नीचे में 10 आ जाएंगे, और ये पॉइंट से पॉइंट सब कैंसिल हो गए, तो क्या हो जाएंगे ऊपर में 7/50, यानी x बटे बाई का मान कितना है 7/50, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, 7:50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक क्वेश्चन है जो कि सोनू और मोनू क्रमशः 12 और 18 घंटे में एक काम को समाप्त कर सकते हैं, दोनों बारी बारी से एक घंटे काम करते हैं, यदि शुरुआत मोनू से होती है तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जो कि इसमें कुछ है जो कि छूट चुका है, तो एक क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि लॉग 10^3 बराबर 0.4771 हो, तो लॉग 10^243 का मान क्या होंगे। अब देखिए मान लिया जाए लॉग 10^243 है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग 10^ देखिए 243 है, जो कि 3^5 करिएगा तो ये 243 आ जाएंगे, तो कितना लिखेंगे, लॉग 10^3 5। अब देखिए जो पावर 5 है ये इधर में आ जाएंगे, तो क्या में आ जाएंगे, इधर इधर गुना में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 5 log 10^3, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लॉग 10^3 बराबर कितना दिया हुआ है 0.4771, तो इतना का मान कितना हो जाएगा 0.4771, यानी 5 × 0.4771। अब इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये गुना करके आप लोग क्या आ जाएंगे 2.3855, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा किसी समान वर्ष में 53 रविवार है, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए एक समान वर्ग में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, जिसमें से कितने 52 सप्ताह होते हैं, जिसमें से 52 सप्ताह होते हैं, अब हम एक दिन होते हैं 52 सप्ताह, अब हम एक दिन होते हैं, तो शेष दिन रविवार होने के लिए इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो शेष दिन यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, शेष दिन यानी एक दिन की प्रायिकता क्या होगी, तो ये नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएंगे 1, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं टोटल 7 दिन, तो एनी का मान, एनएस का मान कितना हो जाएंगे 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होते हैं फॉर्मूला, एनी बटे नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम, यानी कितना हो जाएंगे 1/7, यानी इसकी प्रायिकता है जो कि 1/7 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आसान है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो थोड़ा बैक वीडियो करिएगा और फिर से देखिएगा, पक्का है आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें किसी कूट भाषा में सोनम को इस प्रकार से लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में टार्जन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए सोनम है, सोनम को किस तरह से लिखा जाता है, TNOZN लिखा जाता है, TNOZN। अब देखिए एस में अगर हम लोग प्लस एक करेंगे, ध्यान दीजिएगा एस में, एस के बाद क्या आता है टी, तो एस में अगर प्लस एक करेंगे तो टी आएंगे, ठीक है। उसके बाद
ओ में, ध्यान दीजिएगा, ओ में माइनस एक करिएगा तो क्या आएंगे, एन आएंगे, यानी ओ के पहले क्या आते हैं, एन, ठीक है। उसके बाद एन, एन में फिर प्लस एक करेंगे, एन में फिर प्लस एक करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, तो एन में फिर प्लस एक करेंगे तो ओ आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ए में फिर माइनस वन करेंगे, तो एक के माइनस करेंगे वन, तो एक के पहले क्या आता है, तो एक के पहले लास्ट से चलेंगे यानी जेड आते हैं, तो यहाँ क्या हो गए, जेड हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर एम में प्लस वन करेंगे, एम में प्लस वन करेंगे तो फिर क्या आ जाएंगे, तो ये एन आ जाएंगे, यानी सबसे पहले प्लस वन माइनस वन फिर प्लस वन फिर माइनस वन फिर प्लस वन करना है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, टार्जन के भी लिखेंगे, तो देखिए टी ए आर जेड एन है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस वन, तो टी में प्लस वन करिएगा तो ये क्या आ जाएंगे, तो टी के बाद क्या आते हैं, यू, तो यहाँ यू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ए में फिर क्या करेंगे, ए में हम लोग फिर माइनस वन करेंगे, तो ए में अगर हम लोग माइनस वन करेंगे तो ए के पहले क्या आते हैं, तो ए के पहले जेड आते हैं, तो यहाँ जेड हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आर में क्या हम लोग करेंगे, प्लस वन करेंगे, तो आर में हमने प्लस वन किया, तो आर के बाद क्या आते हैं, आर के बाद एस आते हैं, तो उसके बाद हमने एस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जेड में हम लोग माइनस वन करेंगे, तो जेड में माइनस वन किया, तो जेड के पहले क्या आते हैं, तो जेड के पहले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे वाई, जेड के पहले वाई आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ, ओ में फिर माइनस वन यहाँ किया, तो अब हम लोग प्लस वन करेंगे, तो ओ के बाद क्या आते हैं, तो ओ के बाद यहाँ पे आते हैं पी, ठीक है। उसके बाद एन, एन है फिर प्लस वन किए थे, तो अब हम लोग माइनस वन करेंगे, तो एन के पहले क्या आते हैं, एम, तो हमारा शब्द क्या बन गया, यू जेड एस वाई पी और यहाँ एन है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका चार सही जवाब हो जाएंगे, यू जेड एस वाई पी एम, ऑप्शन नंबर ये चार बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सबसे पहले प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, और उसके बाद फिर प्लस वन करना था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुट भाषा में माइनस को प्लस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, माइनस को क्या कहा गया, प्लस, उसके बाद गुणा को क्या कहा गया है, माइनस, उसके बाद देखिए अगर भागा को क्या कहा गया है, तो भागा को गुणा कहा गया है, और उसके बाद प्लस को क्या कहा गया है, भागा, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब क्वेश्चन के अनुसार कर चलेंगे, तो सात, और देखिए यहाँ सात के बाद सात माइनस बारह है, तो माइनस को क्या कहा गया है, प्लस, तो कितना हो जाएगा, सात प्लस बारह। उसके बाद देखिएगा गुणा को क्या कहा गया है, गुणा को कहा गया है माइनस, तो यहाँ बारह माइनस कितना हो जाएंगे, चार। उसके बाद देखिए भागा को क्या कहा गया है, तो भागा को गुना कहा गया है, यानी चार गुना कितना हो जाएंगे, चौबीस हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्लस चार है, तो प्लस चार को क्या कहा गया है, तो यहाँ भागा, यानी चौबीस भागा चार। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सात प्लस बारह माइनस चार, अब चौबीस में चार से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे, छः, ठीक है। तो सात प्लस बारह और माइनस चार गुना छः माइनस चौबीस, अब देखिए बारह सात है जो कि प्लस में, तो बारह सात उन्नीस, और उन्नीस माइनस चौबीस, और चौबीस में से उन्नीस जाएगा तो कितना, माइनस पाँच, यानी ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब है, माइनस पाँच इसका आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सात पाँच बारह सत्रह उनतीस छियालीस, इसका अगला पद क्या आएंगे। अब देखिए सात में अगर हम लोग पाँच ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बारह हो जाएंगे, फिर बारह में हम लोग सत्रह ऐड करेंगे, बारह सत्रह तो क्या हो जाएंगे, उनतीस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनतीस में हम लोग क्या करेंगे, छियालीस ऐड करेंगे, तो उनतीस प्लस छियालीस ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पचहत्तर, यानी ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही जवाब है, पचहत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएंगे। अब देखिए यहाँ सात पाँच छः है और यहाँ क्या आया, छत्तीस, अब ध्यान दीजिएगा ये तो गुणा भागा करके आएंगे नहीं, तो देखिए सात पाँच बारह और बारह छः अट्ठारह, तो अट्ठारह का दुगुना कितना होता है, छत्तीस, यानी यहाँ पे जितना ऐड कर रहे हैं संख्या उसका यहाँ पे दुगुना किया गया है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से अगला भी करेंगे, तो आठ पाँच तेरह, तेरह सात बीस, और बीस का दुगुना कितना है, तो बीस का दुगुना होता है चालीस, तो यहाँ पे चालीस है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, तो आठ छः चौदह, चौदह पाँच उन्नीस, तो उन्नीस का दुगुना कितना होंगे, उन्नीस का दुगुना अड़तीस, यानी ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल इसका सही जवाब है, अड़तीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारा असंगत चूनने, ठीक है असंगत चूज करना है, ठुमरी है, ख्याल है, छाव है और भीम पलासी है। देखिए शेष सभी हैं जो कि राग हैं, शेष सभी हैं जो कि राग हैं, कौन कौन राग हैं, तो ये ठुमरी, ख्याल और भीम पलासी हैं जो कि राग हैं, छाव है जो कि उड़ीसा का एक लोक नृत्य है,
छाऊ है जो कि उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, तो यह जो कि सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे जो कि असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, मैं इसका भाई हूं पर यह मेरा भाई नहीं है। तस्वीर वाला व्यक्ति सुमन का कौन है? अब देखिए, सुमन का भाई, इससे स्पष्ट है कि दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। क्या दोनों एक ही पीढ़ी के हैं? ठीक है। अब कह रहा है जब वे भाई नहीं है, जब वे भाई नहीं है, कह रहा है यह मेरा भाई नहीं है, तो जब वे भाई नहीं है तो क्या तस्वीर वाला व्यक्ति अवश्य ही उसका बहन होगा, क्योंकि वह एक ही पीढ़ी के हैं, तो वह हमेशा क्या रिलेशन होंगे, तो वह बहन और भाई का रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है? तो ये बहन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ये बहन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए, ए सी, खाली स्थान डी, उसके बाद खाली स्थान सी बी, उसके बाद खाली स्थान ए और खाली स्थान बी और डी है। तो देखिए ए सी, उसके बाद क्या भराएंगे, यहाँ पे बी भरा जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बी भराएंगे, उसके बाद देखिए डी खाली स्थान, यहाँ पे देखिए ऐसे डी खाली स्थान सी बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ए, और यहाँ पे क्या भरा जाएंगे डी, तो ए सी बी डी, यानी सभी में ए सी बी डी के अंतर्गत भरना है, ए बी सी डी, चार अल्फाबेट तक भरना है उसमें। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे, ए बी डी है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे सी डी, तो सबसे पहले क्या भराया बी, उसके बाद क्या भराया ए, उसके बाद क्या यहाँ पे फिल हुआ डी, उसके बाद क्या यहाँ पे फिल हुआ सी, तो बी ए डी सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, बी ए डी सी भराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा किस विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51A में सभी मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूरी इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निम्न में से कौन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है? तो कमल का फूल है जो कि सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। देखिए जैतून की टहनी है जो कि ये शांति का प्रतीक है, जैतून की टहनी शांति का प्रतीक है। कबूतर है जो कि एकता बलिदान और ईमानदारी का प्रतीक है, एकता बलिदान और ईमानदारी का प्रतीक है। सफेद झंडा है जो कि शांति एवं सौहार्द का प्रतीक है, शांति एवं सौहार्द का प्रतीक सफेद झंडा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताते चलते हैं, ताकि और क्वेश्चन आप लोग को कवर होता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस है जो कि यह 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा मसूरी किस राज्य का हिल स्टेशन है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि मसूरी है जो कि यह उत्तराखंड में स्थित एक जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा फैदम किसकी इकाई है? तो फैदम है जो कि ये गहराई का इकाई है, गहराई का इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, फैदम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ में है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें निम्न में से किस अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये संपत्ति का अधिकार है जो कि संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य इसमें से असंगत चुनने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी बिंदु हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दो, यहाँ भी एक दो, यहाँ भी एक दो, लेकिन ये बिंदु है जो कि एक लाइन छोड़कर है, यहाँ के बाद यहाँ है, यहाँ रहना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है जो कि सभी फिगर से ये असंगत है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कर लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।